दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक समस्या के बारे में आपको बताऊंगा आज और उसकी दो होम्योपैथिक का कॉम्बिनेशन आपको बताना हो, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपने कभी ये समस्या फेस की हो या महसूस की हो और हो सकता है कि आप इस समस्या से इस वक्त जूझ रहे हों। दोस्तों समस्या है एक्यूट फटीग सिंड्रोम, यानी कि पूरा दिन थके थके रहना, किसी भी काम को करने में मन ना लगना, हल्का हल्का सा पूरे शरीर में दर्द रहना, खास करके जोड़ों में और खास करके सर दर्द में, कई बार जी मिचलाना और अच्छी नींद होते हुए भी ये महसूस करना कि आज मैं अच्छी तरीके से सोया नहीं, जो सोने के बाद में एक ताजगी होती है वो अच्छे तरीके से महसूस ना होना। ये एक ऐसी समस्या है कि हम इसके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट कराते हैं, अलग अलग तरीके की मेडिसिंस खाते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है, दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आज आपको बताऊंगा और आपके एक्यूट फटीग सिंड्रोम से आपको छुटकारा दिलाने में ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी कारगर साबित होंगी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, पूरा दिन थके रहना, पूरा दिन आलस रहना, नींद अच्छी आते हुए भी ये महसूस करना कि मैं आज सोया ही नहीं, हाथों पैरों में दर्द रहना, खास करके सर में दर्द रहना, उल्टी को मन होना, तो इस तरीके के कुछ ही ऐसे लक्षण हैं। किसी भी काम को करने में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना और खाने को मन ना करना, तो ये कुछ ऐसे मिले जुले लक्षण हैं जो कि इसमें एक्यूट फटीग सिंड्रोम में हमें देखने को मिलते हैं। याददाश्त में कमी आ जाती है, कई बार तो इंसान भूलने लगता है और बीपी कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कभी दिल की धड़कन कम हो जाती है। एक नर्वस सा रहता है पेशेंट, खोया खोया सा रहता है, बेचैन सा रहता है। तो दोस्तों इसके लिए दो होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है कल्केरिया फोस 30 और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एसिड फोस 30। दोनों की समान मात्रा, यानी कि दोनों की 10-10 बूंदें आप ले सकते हैं, 10-10 ml आप ले सकते हैं और दोनों को एक बड़ी शीशी में मिलाकर रख सकते हैं और 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले कम से कम 1 से 1.5 महीना आप इसको लें और आप देखेंगे कि आपको जो आलस रहता है, आपको जो कुछ भी करने को मन नहीं करता, आप थके थके से रहते हैं, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपकी ठीक होने लगेंगी। धन्यवाद दोस्तों।